नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खुशहाल के परिवार में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे धान में तना छेदक के नियंत्रण के लिए कौन कौन सी दवा का प्रयोग करें, कैसे पहचाने हम कि धान में तना छेदक लगा है और कौन कौन सी दवा का प्रयोग करें ताकि दवा से नियंत्रण से जो हम छुट्टी पाई जा सके या मुक्ति पाई जा सके, इसके क्या क्या नुकसान हो हैं हमारे धान की फसल में, कितने परसेंट नुकसान हो करता है धान की फसल में, इसके अलावा और क्या क्या नुकसान करते हैं धान में, तो इन तमाम बातों पर आपकी वीडियो में आप चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल खुशहाल एग्री सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले पहचानते हैं धान में तना छेदक कैसा होता है। तो कुछ इस प्रकार का आपको लगभग जब आपकी फसल 45 से 50 दिन की अवस्था पर होती है तो धान में इस प्रकार की एक तितली जैसे उड़ने लगती है। ये तितली क्या करती है, लगभग 2 से 3 दिन में अंडे देना शुरू कर देती है। एक अंडे एक बार में लगभग 250 से 300 अंडे देती है और वो अंडे लगभग इसका जीवन काल मात्र 6 दिन का होता है। तो 6 दिन में ये अंडे देकर ये इसके बहुत सारे बच्चे ये क्या करते हैं पौधे की इसकी जो छोटी छोटी इल्लियाँ होती हैं कुछ इस प्रकार से, ये देखिए तने में क्या है पूरा घुस गई अंदर, कुछ इस प्रकार से पूरे तने को क्या है खा रही हैं, ये देखिए। तो ये इल्लियाँ क्या होती हैं 6 दिन तक चलती हैं, उसके बाद वापस से इनका जीवन काल ऐसे ही चलता रहता है। तो ये पूरा अंदर घुस के उसको क्या करती हैं पूरा पोपला जो है तने को पोपला कर देती हैं और वहाँ की जो उसका तना उसको काट देती हैं और पौधा क्या होता है उसको ऊपर से सूखने लगता है। तो किसान कहता है कि तना सूख रहा है, सूखी सूख रही है और कुछ कहते हैं ऊपर का जो है वो सूख रहा है। तो ऐसे में कभी कभी किसान क्या करता है, कई दवाएं जो है क्या होता है वो जड़ में प्रयोग कर देता है जो, और इसका नियंत्रण ये क्या होता है ये ना तो एकदम जड़ में होता ना तो एकदम पेड़ के ऊपर होता है, ये पौधे के तने पर तना छेदक है तो जाहिर से तने पर ही लगेगा। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें कोई भी ऐसी दवा का प्रयोग करना है जो कि तने पर हो। और इसके देखते हैं तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से है, जिसे आप इल्ली होती है तना छेदक की। तो अगर आपको खेत में ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए आपको सचेत हो जाना चाहिए। इसके नियंत्रण की बात करते हैं तो मैंने आपको लक्षण बता ही दिए हैं, इसके बारे में दिखा भी दिया कि कौन सी इल्ली होती है। तो इसके प्रयोग के लिए अगर आप घोल में प्रयोग करना चाहें यानी स्प्रे में प्रयोग करना चाहें तो इमामेक्टिन बेंजोएट आता है, दवा आती है 100 ग्राम प्रति एकड़ के दर से प्रयोग होती है। तो इसका प्रयोग कर लीजिए, इससे क्या होगा तना छेदक से हम नियंत्रण पा जाएंगे। ये दवा लगभग 24 घंटे में अपना प्रयोग जो है काम दिखा देती है और 24 घंटे में खरपतवार जो आपका कीट है वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा और प्रयोग कर सकते हैं आप, तो आप कुछ किसान कहते हैं कि हम प्रयोग करना चाहते हैं यूरिया के साथ में, क्योंकि अब यूरिया डालना ही है तो उसके साथ में प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्यूराडान आता है, बहुत ही जहरीला कीटनाशक है, ये दुनिया का काफ़ी जहरीला कीटनाशक है कीटों के लिए। 300 से ज़्यादा कीटों को ये क्या करता है मार देता है और जड़ में लगे हुए कीटों को पर भी इसका प्रभाव है। कई कंपनियों के तमाम जो है आते हैं, जैसे आप इसके तना छेदक के फटेरा का प्रयोग कर सकते हैं, वाटाको का प्रयोग कर सकते हैं, फ्यूराडान मैं आपको दिखा रहा हूँ फेमसी का है, कई कंपनियों का फ्यूराडान भी आता है। तो ये अच्छे हैं, इनकी मात्रा की बात करें फ्यूराडान की तो इसके बारे में विवरण है ये, तो ये 300 से ज़्यादा कीटों पर क्या करता है नियंत्रण करता है। इसके अंदर कौन से केमिकल होते हैं, कार्बोफ्यूरान 3% इसके अंदर होता है कार्बोफ्यूरान, और इसके प्रयोग की दर है तो 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका प्रयोग फसलों प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रही वीडियो में जानकारी, अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों से नमस्कार।